राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय नवीन पटनायक जी, मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी एवं मित्र सम्मान्य धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के यातायात के मंत्री और हमारे साथ में मिलकर हम जब काम करते हैं ऐसे रमेश चंद्र माझी जी, पर्यटन मंत्री अशोक चंद्र पंडा जी, लोकसभा में मेरे साथी मित्र प्रसन्ना पटसानी जी, हमारे दूसरे सांसद मित्र अनुहा मोहंती जी, यहाँ के विधायक विजय कुमार मोहंती जी, प्रियदर्शन मिश्रा जी, नभा दज्जी जी, हमारे महाप्रबंधक रेल के सभी परिवार के सभी सदस्यगण और यहाँ पर मौजूद सभी सम्मान्य भाई और बहन, मुझे इस बात की खुशी है कि फिर एक बार उड़ीसा आने का मौका मिला। हम हमेशा एक मौका ढूंढ रहते हैं कि उड़ीसा में जाने को कब मिलेगा, कि यहाँ आने के बाद एक नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है, यहाँ के लोगों को मिलकर खुशी भी होती है और सब पुराने साथियों को मिलने का मौका भी मिलता है। इसके लिए उड़ीसा आने के लिए मैं मेरा आनंद व्यक्त करता हूँ और साथ ही में हमें याद है कि जब जब हम उड़ीसा में आने का मौका मिला तो यहाँ पे कुछ देने की भी हमारी जो चाहत है उसको पूरे करने का भी मौका मिला। हम चाहते हैं कि रेलवे में इस तरह की तरक्की हो कि जिससे उड़ीसा जैसे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती है। बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, पोर्ट कनेक्टिविटी की जाएगी तो बड़ी मात्रा में रेल के और उड़ीसा का भी लाभ होगा। यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा खान खनिज है उसको भी ज्यादा इसकी मात्रा में पूरे देश में ले जाना है, विदेश में उसको निर्यात करना है तो उसके लिए भी रेल का नेटवर्क जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी पर्यटन की सुविधाएं हो सकती है, इतने वर्ल्ड की हेरिटेज साइट भी है, यहाँ पे बहुत अच्छे चिल्का लेक जैसा लेक भी है, सभी को यदि हम आगे ले जाना है, पूरी की बहुत अच्छी बीचेस भी है, लेकिन सबको लेके जाने के लिए रेलवे का नेटवर्क जरूरी है और ये सभी चीज करने के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ सकता है, लॉर्ड जगन्नाथ के लिए लोग भी आते हैं, तो ये सब चीज करने के लिए मैं मानता हूँ हमें पूरी मात्रा में रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। और यही सोच के आज कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जिसमें डबल लाइन सर्जिपली हंडपा के बीच में अंगुल संबलपुर की नई लाइन बढ़ाई जाएगी, एक अच्छे क्वालिटी का ट्रेनिंग सेंटर, जो मुख्यमंत्री जी मैं आपको अभिमान से कहता हूँ कि नया मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर कटक के नजदीक हम बनाए जा रहे हैं, इसका भी आज शुभारंभ किया जाए। साथ ही में जरसगुड़ा रोड स्टेशन के ऊपर भी उसको अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए, साथ साथ में पार्ले कुमुड़ी स्टेशन को भी डेवलप करने के लिए हम लोग उसको ले भी हम आगे आने वाले दिनों में काम करेंगे। ये जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए भी आज के कार्यक्रम में सुविधा की जाएगी। और लिफ्ट एंड एस्केलेटर, पहले एक समय था कि लिफ्ट कैसे होते हैं, एस्केलेटर कैसा होता है देखने के लिए शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना होता था, होटल में जाना होता था या एयरपोर्ट पे लोगों को जाने की जरूरत होती। हम लोगों ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आम आदमी को गरीबों के लिए सरकार है, यहाँ के लोगों को भी ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जो सिर्फ अमीर लोग ही नहीं तो देश में रहने वाला कोई भी नागरिक उस सुविधा को ले सकता है। उसको सोचकर पूरे देश में अलग अलग स्थानों के ऊपर हम लोगों ने लिफ्ट और एस्केलेटर की भी शुरुआत की। उसी तरह से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मेमू इलेक्ट्रिक ट्रेन एक खुर्दा रोड से
करने के बाद भी उसकी शुरुआत की जाएगी। पूरे देश में रेल में पहले सालाना 40 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश नहीं होता, उसको बढ़ाकर पिछले 2.5 सालों में ही हम लोगों ने 3,50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का तय किया। साथ ही में आपका पड़ोसी राज्य बिहार, वहां पे भी हम लोग 40,000 करोड़ रुपए से डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, और मुझे विश्वास है इसका सबसे ज्यादा लाभ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मिलेगा, क्योंकि वो तो बनाएंगे जिया और अल्स्टॉम जैसी कंपनी है। आपको याद होगा तो देश में पहली विदेश की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई, उससे सबसे बड़ा लाभ यदि किसी को हुआ होगा तो हमारे यहाँ पे छोटे उद्योग जो है वो अभी उसको कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं। हमने जियो और अल्स्टॉम दोनों को कहा है कि ओडिशा जैसे राज्य में भी वेल्डर डेवलपमेंट का काम किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों में स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइज को भी काम मिले। उसी तरह से जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा उसमें भी वेल्डर डेवलपमेंट करने का एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने रेल की तरफ से शुरू किया है, और उसका भी लाभ आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को मिलेगा। यानी अच्छी मात्रा में रेल में निवेश हो, सुविधाएं बढ़े, रेल के साथ साथ यहाँ के रहने वाले राज्यों का भी विकास हो, ये सोचकर हम लोगों ने रेल की पूरी पुनरुज्जीवन करने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे कहने के लिए खुशी है कि सिर्फ ओडिशा के लिए, क्योंकि ये राज्य ऐसा है जैसे मैंने कहा, पर्यटन, खान खनिज, औद्योगिकरण, पोर्ट का डेवलपमेंट, सबके साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ोतरी, सबके साथ ओडिशा एक बहुत बड़ा उभरा हुआ राज्य बन सकता है। लेकिन वो करने के लिए जरूरत है निवेश की, राज्य सरकार करेगी, लेकिन हम लोग केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ी मात्रा में यहाँ निवेश करने का तय किया, उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। पहले बजट से हर साल ओडिशा के लिए यूपीए के दो कार्यकाल में 838 करोड़ रुपया दिया जाता था, हम लोगों ने 14, 15, 16, 17 में उसको बढ़ाकर 3,286 करोड़ तक लेके पहुंचा था। 3,286 करोड़ जो पहले सिर्फ 838 का हुआ करता था। बढ़ोतरी कितनी हुई? 292% इंक्रीज इन द कैपिटल आउटलेस फॉर ओडिशा। लेकिन हम समझते हैं कि ये पूरी मात्रा में पर्याप्त नहीं है, ये सोचकर 2017-18 का बजट जो भी पार्लियामेंट ने परसों डिमांड फॉर ग्रांट पास किए उसमें 5,102 करोड़ रुपए के, यानी उसमें बढ़ोतरी अभी यदि पहले यूपीए के कार्यकाल में देखेंगे तो 5.8% इंक्रीज इन द आउटलेस फॉर बजट फॉर ओडिशा। आज ओडिशा में 36,480 करोड़ रुपए के बजट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें कौन से बजट है? डबलिंग के लिए 22 लाइन 2,936 किलोमीटर लेके 25,581 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 6 नए लाइन के लिए 1,066 किलोमीटर से लेके 9,914 करोड़ के प्रोजेक्ट, और साथ ही में गैस कन्वर्जन के लिए 90 किलोमीटर से साथ साथ 985 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यानी सब मिलके 36,480 प्रोजेक्ट के चल रहे हैं, उसमें 90 नए प्रोजेक्ट 33,778 करोड़ के हम लोगों ने 16-17 के बजट में सैंक्शन किए। 11 नए सर्वे लाइन की शुरुआत की गई है, क्योंकि सर्वे नहीं किया जाएगा तो काम नहीं किया जा सकता। मेरे आगे आने वाले दिनों में ये सर्वे का रूपांतर नए प्रोजेक्ट में भी होगा, इसीलिए 11 नए सर्वे लाइन की भी शुरुआत की गई है, और मुझे विश्वास है कि सभी का लाभ आगे आने वाले दिनों में ओडिशा में बहुत बड़ी मात्रा में होगा, ओडिशा का विकास होने में भी कामयाबी मिलेगी। लोगों की मांग रहती है स्टॉपेज मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों के लिए 12 स्टॉपेज जो हम लोगों ने दिए, उसी समय 16 आरओबी और 66 आरयूबी सबवेस के लिए 1,015 करोड़ रुपया हम लोगों ने 16-17 के बजट में मांगे किया। साथ में 17-18 के बजट में नए 9 आरओबी, 12 आरयूबी और सबवे के लिए 671 करोड़ रुपया हम लोगों ने किया है, और उसी काल में 196 अनमैन लेवल क्रॉसिंग को हमने पूरी मात्रा में बंद कर दिया। साथ में ही गाड़ियां भी ओडिशा राज्य से गुजरेगी, उसका भी हम लोगों ने शुरुआत किए, और पैसेंजर एबिलिटी, हमें मालूम है कि हम लोग ये सोचते थे पहले, ये सोच थी कि रेल में आप सफर करने को मौका दिया बहुत है, एबिलिटीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं,
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सफर करने वाले सभी लोग इस तरह से सफर करें कि इनको भी एहसास हो, कुछ आनंद मिले और उनका जो समय वो ट्रेन के सफर में बिताते हैं वो वापस घर में जब लौटेंगे तो कुछ सुख समाधान से लौटेंगे। ये देने के लिए पैसेंजर एमिनिटीज के लिए पूरे देश में बढ़ोतरी की गई है। उड़ीसा राज्य को पिछले 2 सालों में ही करीबन 85 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए भी दिया है। ये सब करने की जरूरत यह है कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य बने कि जो राज्य पूरी मात्रा में अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सके। इसके लिए मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को माना है कि हम लोग ज्वाइंट वेंचर बनाकर रेलवे के इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। काफी एडवांस स्टेज पे बात चल रही है और उसको भी बहुत ही जल्द हम कार्यान्वित करेंगे। मैं सर्वानंद मुख्यमंत्री को विनती करूंगा कि उस कार्यक्रम के लिए भी हम दोबारा यहाँ आकर उस कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे। उसी तरह से हम समझते हैं कि रेल का जो विस्तार हो रहा है, रेल में ज्यादा से ज्यादा जो निवेश हो रहा है, रेल का आधुनिकीकरण हो रहा है, रेल ज्यादा से ज्यादा तेजी से चले, इसके लिए जो 2 मेजर ट्रंक रूट है दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता, ये दोनों ट्रंक रूट में हम लोग अभी स्पीड उसकी बढ़ाने के लिए 160 से 200 किलोमीटर ले जाने के लिए, इसके बीच में ले जाने 200 किलोमीटर तक ले जाने के लिए काम कर रहे, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया। उसका सबसे ज्यादा लाभ ऐसे राज्यों को होगा जो राज्य आज किसी दोनों रूट के ऊपर आते हैं, सबसे 80 ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। और ये सब करने के लिए हम लोगों ने कार्य की शुरुआत किया। स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि भुवनेश्वर में भी एक राज्य सरकार और हम मिलकर स्टेशन डेवलप करें, लेकिन देश में 400 ऐसे स्टेशन हैं जिसको पूरी मात्रा में परिवर्तन करके एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छे स्टेशन बनाए जाए। सूरत में कुछ दिनों में काम की शुरुआत होगी, और ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन भी है, ट्रेन स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और साथ साथ में रिक्शा के लिए भी। और सिर्फ सूरत का ही नहीं तो कहीं से भी एयरपोर्ट के साथ आप उसकी तुलना करेंगे तो ये सबसे अच्छा एयरपोर्ट एक स्टेशन बनाया जाएगा। उसी तरह से 9 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का शिलान्यास किया जो गांधीनगर गुजरात में है, वो स्टेशन के ऊपर 300 रूम का एक अच्छा 5-स्टार होटल हम रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाए जा रहे हैं। उसी तरह से हबीबगंज भोपाल में उसका कार्यक्रम की भी शुरुआत हो गई, पहला स्टेशन हम लोगों ने हैंडओवर भी कर दिया, वो देश का पहला स्टेशन है कि जिसका ऑपरेशन भी आज निजी लोग करेंगे और उसको लिए वो डेवलप स्टेशन किया जाएगा। मैं राज्य सरकार से विनती करता हूँ ऐसे स्टेशन डेवलपमेंट के कार्यक्रम में भी आप आ जाइए, इसमें अच्छी तरह से जो मुनाफा होगा वो भी हम उड़ीसा के राज्य के विकास के लिए दोबारा लगाएंगे। साथ ही में हम ये समझते हैं कि यहाँ लोगों का भी विकास होना चाहिए, रेल का विकास होगा तो स्वाभाविक है लोगों का भी होगा, लेकिन साथ साथ में हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग, ट्राइबल पॉपुलेशन है बड़ी मात्रा में, यहाँ के रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन, उनके लिए भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि वो लोग जो अच्छी तरह से हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उसको ई मार्केटिंग के तहत हम लोग उसको पूरी मात्रा में IRCTC के तहत लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी बड़ी आमदनी होगी। यहाँ के रहने वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं ने बनाए हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो जो माल बनाएंगे उसके लिए भी रेलवे अपने नेटवर्क के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। हम सब यह समझ के चलते हैं कि देश का विकास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से होगा ही होगा, लेकिन आम आदमी का विकास उसकी आमदनी बढ़ने से होगा। वो करने के लिए बहुत सारी योजनाएं रेल की तरफ से भी की जा रही है और मुझे विश्वास है कि इस योजना को सफल करने के लिए भी हम उड़ीसा में भी काम की शुरुआत करेंगे। आज ही मैंने विस्तार से धर्मेंद्र प्रधान जी और हमने मिलकर हमारे यहाँ के जनरल मैनेजर सबके साथ में विस्तृत तरीके से रिव्यू किया गया और हम चाहते हैं कि इसी कार्यक्रम को पूरी तरह से उसको अमल में लाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी ने मुझे लेटर दिया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ की परियोजना जल्द से जल्द किस तरह से पूरी की जाए ये उनकी और हमारी दोनों की कॉमन चिंता है। यहाँ की कुछ लोकल इश्यूज की वजह से जो काम थोड़ा सा तेजी से नहीं चल रहा है उसके लिए मैंने हमारे जनरल मैनेजर चीफ सेक्रेटरी को मिलेंगे, मैं भी सम्मान्य मुख्यमंत्री जी से बात बताऊंगा, हम दोनों मिलकर ये काम जल्दी से जल्दी करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारी परियोजनाएं पूरी मात्रा में पूरी होगी और उड़ीसा एक सबसे बड़ा डेवलप राज्य
के नाते जाना जाएगा और करने के लिए हम हमारा योगदान पूरी मात्रा में देंगे, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। आज जो भी परियोजना की शुरुआत की जाएगी उसके लिए सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। जय हिंद, जय ओडिशा।